अमृत योजना के तहत जोन 4 वार्ड 37 अशोक नगर अंतर्गत कारगिल पार्क के निर्माण एवं सुंदरीकरण में बाल क्रीड़ा स्थल अंडर 12 चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन महापौर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी के द्वारा किया गया। मौके पर पार्षद नमिता मिश्रा भी मौजूद रहीं। MHPL के मैनेजिंग डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल के साथ प्रणव अग्रवाल ने पुष्प भेंट करके सभी का स्वागत किया। महापौर प्रमिला पांडे ने नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी के साथ फीता काटकर पार्क का शुभारंभ किया। आपको बताते चले कि ये प्रोजेक्ट नॉर्थ इंडिया की सबसे उत्कृष्ट कंपनी MHPL लिमिटेड के द्वारा बनवाया गया है। इस नव निर्मित अंडर 12 चिल्ड्रन पार्क की सुंदरता देखने वाली है। यहाँ इस अंडर 12 चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के लिए कई तरह के झूलों में सी सॉ, मोरिंगो राउंड आदि के साथ उत्कृष्ट बेंचेस, आर्टिफिशियल ट्रैप ग्रास, EPDM रबर फ्लोरिंग, साथ ही साथ इंडियन कार्टून थीम आदि से पार्क को सुसज्जित किया गया है। इस विषय पर महापौर प्रमिला पांडे ने बताया। देखिए, आज हमारा नगर निगम के चिल्ड्रन पार्क 12 साल तक के बच्चों के लिए कितना बेहतरीन लग रहा है। आज यहाँ आकर तबीयत बड़ा खुश हो गया कि कम से कम जो घूमने आएंगे अपने बच्चों को ध्यान दिखाने आएंगे। इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि अपने शहर में दक्षिण में भी कुछ बने, उत्तर में भी बने। क्या कुछ टिकट भी थी निर्धारित की गई? हाँ, अभी नहीं हुई, लेकिन अब कारखाने जब होगी तो कर। ये अभी आज जो कारगिल पार्क के अंदर सिर्फ बच्चों के लिए गई कानपुर में एक अलग तरह का पार्क बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे बच्चे जो हैं उसमें खेल कूद की एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और ये 12 साल के नीचे के बच्चों के लिए है। इसका कौन टिकट भी निर्धारित करेंगे? इसके लिए टिकट निर्धारित अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसके मेंटेनेंस के लिए टिकट में निर्धारण कर दिया जाएगा जल्द ही। उद्घाटन किसके यहाँ से किया गया है? उद्घाटन जो किया गया वो किनके यहाँ से किया गया है? माननीय महापौर जी और नगर आयुक्त। तो सर, इसका फर्दर आगे का जो मेंटेनेंस रहेगा वो उसका कौन देखेगा? मेंटेनेंस एक साल अभी जो संस्था बनाई है उसके द्वारा है जी, और साथ उसके बाद नगर निगम इसका मेंटेनेंस करेगा। MHPL विल हैंडल इट। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने MHPL के मैनेजिंग डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल से मुलाकात की, साथ ही साथ इस अंडर 12 चिल्ड्रन पार्क के विषय पर चर्चा की। मौके पर कारगिल पार्क घूमने आए कानपुर वासियों ने भी अंडर 12 चिल्ड्रन पार्क में खूब मजे लिए। लोगों ने एक के बाद एक खूब सेल्फियां ली। बच्चों के साथ साथ आए माता पिताओं ने भी मौके पर इस नव निर्मित अंडर 12 चिल्ड्रन पार्क का आनंद लिया। आपको बताते चले कि इस पार्क में केवल बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। बच्चों के लिए छोटे बड़े कई तरह के करीब 10 झूले लगाए गए हैं, साथ ही पूरे पार्क में बाउंड्री की गई है बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। आपको बताते चले कि उद्घाटन में जब महापौर प्रमिला पांडे के साथ नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने झूलों के साथ भी कुछ पल आनंद के व्यतीत किए, वह पल अत्यंत खूबसूरत पल बना इस नव निर्मित अंडर 12 चिल्ड्रन पार्क के लिए। साथ ही MHPL लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल और डायरेक्टर प्रणव अग्रवाल ने विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करते हुए बताया। सर, आज किस चीज का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है मोती झील में? ये कारगिल पार्क के अंदर अमृत योजना के तहत एक चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है, जिसको कि अंडर 12 पार्क नाम रखा गया है जी। इसमें वैरायटी ऑफ झूले, टर्फ ग्रास, रिवर फ्लोर, बेंचेस और बहुत अच्छी आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे बच्चों को चोट भी ना लगे। और उसका उद्घाटन हुआ है। ये अमृत योजना का एक पार्ट है जो कम्प्लीट हुआ है, और भी चीज़ें जो कम्प्लीट होंगी अभी। मैं प्रणव अग्रवाल, डायरेक्टर MHPL इंडिया। हमारी कंपनी ने टेंडर के तहत एक कारगिल पार्क में चिल्ड्रन पार्क बनाया है, जिसका नाम अंडर 12 पार्क भी है, जो 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए स्पेशली बना है। ये अमृत योजना के तहत बना है, और ये नगर निगम का पार्क है कारगिल पार्क, उसी में ये एक पार्ट में बना है। सर, क्या आगे की भी कोई प्लानिंग है किसी और क्षेत्र में, शहर में इस तरीके का जो आज यहाँ पर एक्सक्लूसिव? हाँ, ऐसे प्लानिंग तो है, अभी उसके टेंडर निकल रहे हैं, हम लोग उस पर पार्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर से निशान पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।